खबर छत्तीसगढ़ से, जहां शराब तस्करों से लेनदेन के मामले में 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। बड़ी कार्रवाई की है सरकार ने। दुर्ग आईजी से मामले की शिकायत के बाद जो जांच हुई उसमें इस बात का खुलासा हुआ, पुष्टि हुई। शिकायत पर सीएम भूपेश बघेल तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दे चुके थे। 6 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है निलंबन की। शिकायत आते ही तत्काल कार्रवाई हुई है। हम रुक करेंगे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। आदित्य जी, जिस तरह से शराब तस्करों से लेनदेन का मामला आया था पुलिस कर्मियों का, छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है जो दिखाता है कि भूपेश बघेल इस मामले को लेकर गंभीर है। देखिए, इसको दूसरी दृष्टि से हम देखें तो ये महत्वपूर्ण खबर इस लिहाज से भी कि देखिए, मुद्दे आए उसके पहले आप मुद्दों का निराकरण कर दीजिए तो विपक्ष के पास कोई मुद्दे ही ना बचे। शिक्षा मंत्री के ऑफिस में ये शिकायत आती थी कि शिक्षा मंत्री के यहाँ लेन देन से ट्रांसफर होता है, पूरी प्रक्रिया उन्होंने तत्काल ऑनलाइन कर दी, अब विपक्ष के पास बात करने के लिए कुछ नहीं। शराब वाली शिकायत आई, तत्काल निलंबन। इसके पहले भी विधानसभा में स्टॉप डैम को लेकर शिकायत आई, 15 अधिकारी निलंबित। तो देखिए, ये होता है कमिटमेंट। अगर कोई शिकायत आ रही है सरकार के ऊपर, कोई बात आ रही, बात आने के पहले ही आप उसका निराकरण कर दीजिए तो वैसे ही चीजें शांत हो जाती हैं। तो ये बड़ा कमिटमेंट यहाँ दिखता है सरकार का। निश्चित तौर पर सीएम गंभीर है, इसलिए तत्काल अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होती है, और शिकायत आई और उसके पहले कार्रवाई आप कर दें तो इससे क्या होता है कि लोगों में भी एक बात आती है कि अगर कोई शिकायत हो रही है, अगर किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला आ रहा है, शराब में भी देखिए जो शिकायत आई थी वो यही थी कि पैसे का लेन देन का आरोप था, उसमें भी देखिए तत्काल कार्रवाई की गई। तो कमिटमेंट भी दिखता है सरकार को, और जनता के प्रति भी एक पॉजिटिविटी आती है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई मामला आता है किसी अधिकारी के खिलाफ तो सरकार तत्काल कार्रवाई करती। तो बेहतर खबर है। आदित्य जी, हम सरकार का तो कमिटमेंट देख ही रहे हैं, लेकिन अगर हम राजधानी रायपुर के नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर भी 24 घंटे में पानी की जो शिकायत की समस्या आई थी, जो शिकायत आई थी उसे दूर करने की भी बात कही गई थी, और पानी की समस्या दूर नहीं होने पर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की बात कही थी, इसको लेकर क्या जानकारी? यहाँ पर भी निगम का कमिटमेंट दिख रहा है। देखिए, टूल रायपुर में अगर मैं बात करूं तो 10 जोन है। 10 जोन में अलग अलग अधिकारियों के नंबर सार्वजनिक किए गए हैं, सहायक अभियंता लेवल के अधिकारी हैं, सबका मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया गया है। दो दो अधिकारी हर जोन में देखेंगे, और निश्चित तौर पर जहां पहली बार ये जवाबदारी सौंपी गई, और निश्चित तौर पर देखिए जवाबदारी सौंपने के साथ साथ मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं कि तत्काल अगर कोई भी दिक्कत हो 24 घंटे के अंदर पानी की शिकायत दूर होगी, नहीं हुई तो उस तत्काल जो वहां का जो अधिकारी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो बेहतर खबर है, क्योंकि इस बार हम पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कहीं ना कहीं पानी की किल्लत अभी से बढ़ गई, क्योंकि भीषण गर्मी का सामना पूरे प्रदेश को करना पड़ रहा है। तो अच्छा कमिटमेंट है, उम्मीद यही कि इस कमिटमेंट को नगर निगम पूरा करे, और जो बातें आ रही है सामने अगर कार्रवाई हो तो तत्काल कार्रवाई हो ताकि जनता में एक विश्वास भी जगे। तो फिलहाल तो बेहतर कार्रवाई है, कमिटमेंट है, लेकिन हाँ इसका एग्जीक्यूशन बेहतर तरीके से होना चाहिए, ये बड़े अधिकारियों की जवाबदारी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने आदित्य जी, तत्काल कार्रवाई से एक बड़ा संदेश भी जनता के बीच जाता है। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक तरफ देखिए, सरकार ने एक्शन लिया है शराब तस्करों से लेनदेन के मामले में, 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया है, तो दूसरी तरफ रायपुर नगर निगम का भी कमिटमेंट स्पष्ट दिख रहा है।